सूट कर रहा है तुम पे। अल्लाह आनिया, तुम कितनी चलाक हो, तुमने मुझे दूसरी तरफ लगा के इतना अच्छा ड्रेस ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम्हारे पास जो है वो खुद इतना प्यारा है। एक सेकंड, मैं इसको अपने लगा के देखो अपने ऊपर। हाँ ये कलर कितना अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। बस ठीक है, फैसला हो गया। मैं पता क्या करूंगी, मैं ना शामीर से बोलूंगी मुझे वापस उस दुकान पे लेके चलें, ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही सूट। मुंतहा, तुम्हारा खुद इतना एक्सपेंसिव ड्रेस है और बहुत प्यारा है वो भी अपनी जगह। वैसे भी मैंने ये दूसरी शॉप से लिया है, वो एक्सचेंज थोड़ी करेंगे तुम्हारे ड्रेस के साथ। तो क्या हो गया, शादी के इतने फंक्शंस हैं, मैं किसी पे भी पहन लूंगी, लेकिन मंगनी के लिए तो मैं बिल्कुल ऐसा ही लूंगी। अच्छा एक काम करो, टाइम बहुत कम है, तुम्हें फिट सही आ जाएगा ना, तुम यही वाला रख लो, मैं तुम्हारे वाला पहन लू। है ओ माय गॉड, तुम कितनी अच्छी हो आनिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं मैं ऐसे ले जाऊंगी, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये क्या बेवकूफी आनिया, आहिस्ता बोलो, सुन लेगी, उसे पसंद आ गया था। कल को अगर उसे तुम्हारा दूल्हा पसंद आ गया तो क्या वो भी दे दोगी? पता नहीं कैसी बातें करना शुरू कर देती है, तुम छोड़ो और ये मेरी हक करो खोले में, और देखो कितना प्यारा है ना। बहुत अजीब हो तुम, कम से कम मेरा दिल तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। मैं आज तुम्हें एक बात समझाती हूँ, मेरी तरफ देखो, रिश्ते ना चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी प्यारी बहन इतना गुस्सा करती है। अच्छा ये वाली भी देखो, मुझे ये वाली ज्यादा पसंद आई थी, मुंतहा वाला ड्रेस भी इसी तरह के कलर का था, तो चल जाएगी ना, बताओ ना।